शलोम भाई बहनों, मैं तुमको प्रभु यीशु का नाम से स्वागत करता हूँ। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। आज का विषय है दशमांश, सही है वो गलत है। पिछला संडे हमने देखा था कैसा पैसा का लोभ, प्रेम हर एक बुराई का जड़ है। आज प्रभु दशमांश के बारे में क्या बोल रहे हैं वो हम देखेंगे। हमारा आज का वचन है मार्कुस 12:41-44। मार्कुस 12:41 से 44 तक पढ़ेंगे। वह मंदिर के खजाने के सामने बैठ गया और देखने लगा कि लोग किस प्रकार मंदिर के कोष में पैसे डाल रहे थे, और बहुत से धनवान बड़ी बड़ी रकम डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डाले, जिनका मूल्य लगभग 1 पैसे के बराबर होता है। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलवा कर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोष में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि अन्य सब ने अपनी बहुतायत में से डाला है, परंतु इसने अपनी दरिद्रता में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। इस समय प्रार्थना करेंगे, ये वचन जो हमने पढ़ा, प्रभु हमको दिल देगा, इसका समझ देगा, ताकि ये दिमाग में नहीं लेकिन हमारे हृदय में ये सच्चाई उतरने के लिए और इसकी ओर हम पश्चाताप निर्णय पिताजी पर अभिषेक होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु ये वचन के लिए। परमेश्वर सच में यीशु राज हम मांगते प्रभु, जैसे हमने पढ़ा प्रभु, हम विश्वास करते पवित्र आत्मा तू हमारे हृदय से बात करना शुरू किया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। तू जीवित है, तेरा वचन जीवित है प्रभु जी, और ये जीवित वचन प्रभु आज हमको प्रभु हर एक ये संसार का प्रेम, पैसे का प्रेम से आजादी, छुटकारा देगा हमारा उद्धार प्रभु। सच में एक दृढ़ निर्णय के साथ तुझे अपने जीवन का मालिक और प्रभु बनाते हुए हमारे आत्मिक पिताजी पर आपका अभिषेक उंडेल देना, आपका प्रकाशन का आत्मा प्रभु, जैसा प्रभु वो प्रभु हमको ये वचन सिखाएंगे प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी तू हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वो छुटकारा उद्धार लेकर आएगा, इसलिए धन्यवाद। हर एक गड़बड़ को, हर एक बुलाने वाला, हर एक जो भी शब्दों में जो नहीं समझने वाला, ये सब आत्मा को हम बांध देते आपके नाम से। हमारे आत्मिक पिताजी का आपने पूरा ताबा लिया, वो शब्दों में भी आप उनको मदद करते हो, इसलिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। शलोम भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का बर्ताव बहुत अजीब लगता है। प्रभु यीशु मसीह क्या तमाशा देख रहा था क्या? नहीं, प्रभु यीशु मसीह देख रहा था लोक परमेश्वर का जो भंडार है उसमें कितना पैसा डालते। हम तो ये भी सोच भी नहीं सकते है, क्यों? हमको लगता है किसी ने देखना नहीं चाहिए हम लोगों ने क्या डालते हैं, प्रभु के लिए क्या देते हैं। लेकिन प्रभु का बर्ताव से हम ये सीख सकता है कि एक महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए प्रभु ने उसका समय निकाल के बैठा देखने के लिए। लोग क्या डाल रहे, कैसा डाल रहे, कैसा मन से डाल रहे, कितना डाल रहे,
इसका मतलब एक ही होता है कि दशमांश एक महत्वपूर्ण बात है, विषय, और इसके बारे में आज हम सीखेंगे। यहां एक बात हमने ध्यान में रखना चाहिए, दो तरीके के लोग थे। एक लोग जो उनका सरप्लस, उनका जो ज्यादा है, मतलब वो थोड़ा दे सकते हैं, ये कुछ बलिदान का बात नहीं था, उनके पास ज्यादा पैसा है तो डाल दिया, ये लोग अमीर थे, ये बात हम ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात है, ये जो विधवा है उसके बारे में प्रभु बोलता है वो कंगाल थी, लेकिन उसने सब कुछ उसके पास था, और जो उसका जीवन के लिए जरूरत था वो भी उसने डाल दिया। भाई बहनों, ये दो बातें हम ध्यान में रखना चाहिए, क्यों बहुत लोगों को लगता है हम गरीब है, हम दशमांश क्या दे सकते हैं, मैं विधवा हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं बुढ़ी हूँ, प्रभु को मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कैसा दशमांश दे सकता हूँ। देखो भाई बहनों, दशमांश एक दिल का बात है। दशमांश सिर्फ जो लोग प्रभु का प्रेम करते हैं वो ही दे सकते हैं। ये लोग तभी आगे पीछे नहीं देखते हैं। जैसा एक पति उसका पत्नी के लिए कितना ही भी देने के लिए तैयार है, और पत्नी उसका पति के लिए कितना ही भी देने के लिए तैयार है, ये प्रेम का बात है, दिल की बात है। तो शुरुआत से हम ये ध्यान में रखना चाहिए, दशमांश देने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी बनना चाहिए, और जो दशमांश नहीं देते हैं और कुड़कुड़ते हुए देते हैं ये प्रभु का प्रेमी नहीं है, ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं, सही मन से दे नहीं दे रहे। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है उसको एक अनंत से और हर्ष से देने वाले लोग प्रसन्न हैं। तो भाई बहनों, दशमांश के बारे में बहुत सारा कुछ हम सीखना है, कितना डालना है, कैसा डालना है, कैसा मन से डालना है, कैसा उद्देश्य से डालना है। आज प्रभु हमको ये अनुग्रह दे, ये विषय अच्छा से तुमको सिखाने के लिए और तुम समझने के लिए। देखो भाई बहनों, पहला सवाल है दशमांश का उद्देश्य क्या है। ड्यूटरोनमी 14:22-23 हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 14:22-23। तुम अपने खेत में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली सारी उपज का दशमांश अवश्य देना, और जिस स्थान को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु
और अपने तेल का दशवांश और अपने गाय बैलों तथा भेड़ बकरियों के पहलोटे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम अपने परमेश्वर का नित्य भय मानना सीखो। भाई बहनों, In order that you may learn to fear the Lord your God always. जिससे तुम अपने परमेश्वर का नित्य भय मानना सीखो। भाई बहनों, मुख्य उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें हमारे जीवन में, और इस तरीके से ये लोग कबूल करते थे कि सब जो फसल उन्होंने काटा, जो प्रभु ने उनको उपज दिया, वो प्रभु ने दिया, ये प्रभु का है, और इसलिए ये लोग का उसको दशमांश देते थे। ये सब जो उन्होंने पाया उसका 10%। तो भाई बहनों, ये प्रभु का वचन के द्वारा स्थापित होता है कि जब भी हमको परमेश्वर का प्रेम है, उसका हमको भय है, और हम जानते हैं हर एक हमारे जीवन में जो आशीष है वो हमको कहाँ से मिलता है, हम कैसा पाते हैं, तभी हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। ये कबूल करते हुए, प्रभु ये मेरा नहीं है, सब कुछ आपने मुझे दिया है। लेकिन यहूदी का लोगों का बीच में धीरे धीरे ये बात ये लोग भूल गया, और बाद में दशमांश एक रीति रिवाज बन गया, एक बोझ बन गया। जैसा शहीद बहुत मसीह लोगों का जीवन में होता है, क्यों मैं आपको बोलना चाहता हूं शुरुआत में, भाई बहनों, किसी का नया जन्म नहीं हुआ ना, उसको कोई प्रेम नहीं है प्रभु के ओर, क्यों प्रभु के साथ उसका शादी नहीं हुआ, ये 100% जो समर्पण है वो नहीं है। तो बाद में क्या होता है, हम जबरदस्ती पूरा दिल से नहीं है, रिलक्टेंटली हिचकिचाते हुए हिचकिचाते हुए हमारा इच्छा के बाहर हमारा चेहरा थोड़ा टेढ़ा करते हुए हम लोग डालते, ये ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोगों का ये तरीका है। तो भाई बहनों, वहाँ 27 में एक महत्वपूर्ण बात लिखा है जो मैं तुमको अभी बोलना चाहता हूँ, बाद में नहीं भूलना चाहिए। पढ़ेंगे 27 व्यवस्था विवरण 14:27। उस लेवी का तिरस्कार न करना जो तेरे नगर में रहता है, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई भाग या उत्तर अधिकार नहीं है। देखो भाई बहनों, उसका सही अर्थ ये है, वो जो लेवी है, तुम्हारा शहर में, नगर में, वो उनका पादरी था, उनका याजक था,
तो परमेश्वर ने जब भी लोगों को जो ट्राइब्स है यहूदी बारह गोत्र है उनको अलग अलग उनको जमीन बांटा है, ये उनका एक इनहेरिटेंस एक विरासत ये तौर से समझना, हर एक गोत्र को, एक गोत्र को कुछ नहीं दिया, उसका कोई विरासत नहीं है, नहीं था। और ये है लेवी का गोत्र, ये लोग मंदिर में काम करते थे। इसलिए प्रभु यहां बोलता है देखो उनका कोई भाग नहीं है, पोर्शन नहीं है, उनका कोई विरासत नहीं है, उनको बोलना मत, उनका निग्लेक्ट मत करो। निग्लेक्ट मतलब उनका अनदेखा और केयरलेस लापरवाही मत करो उनका, ये तुम्हारा सेवक है। तो उनके लिए तुम लोग जरूर दे दो। देखो भाई बहनों, दशमांश में दशमांश से हमको कोई भाग मिलने के लिए ये दशमांश का भाग सिर्फ जो लोग प्रभु का दास है उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। ये उनके लिए कि उनका दूसरा कोई विरासत नहीं, विरासत मतलब क्या है, उनका कोई दूसरी नौकरी नहीं है। आज तो क्या हो गया, आज तो सब लोग नहीं है, बहुत सारा जो गलत पास्टर है अभी कलीसिया शुरू करते हैं, कौन सा मन से शुरू करते हैं, एक गलत मन से। उनको ये लोगों का जो दशमांश है वो चोरी करने गए, वो खाने गए, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है ये सिर्फ उन लोगों को जो सही प्रभु का दास है, प्रभु ने उनको बुलाया, उनका बराबर ट्रेनिंग हुआ, बहुत सालों का उनको अनुभव है, उनको पारखा, आत्मिक जीवन में परिपक्व है, और कोई नौकरी नहीं करते। बराबर सुन लो, ये दूसरा संसारी नौकरी नहीं करते। लेकिन आज दुखी बात है कि लोग उनका नौकरी भी है और कलीसिया भी चलाते हैं, कई लोग रिक्शा चलाते हैं, दूसरे लोगों को गाड़ी चलाते हैं, और कुछ ना कुछ काम है ना, तो रिटायर्ड होने के बाद सोचता है हम अच्छे से काम करेंगे और रिटायर्ड होने के बाद हम प्रभु का काम करेंगे, एक बिल्कुल गलत है, ये पाप है। ये लोगों ने ऐसा लोगों ने पहला तो कभी कलीसिया चालू नहीं करना चाहिए कि उनको बुलाया नहीं, ये लोग का उनका कुछ ये नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हुआ। एक बुजुर्ग पास्टर का नीचे, वो एपोस्टल का नीचे, प्रेषित का नीचे, उनका तैयारी नहीं हुआ, उनको चुना नहीं है, उनको परखा नहीं है, लेकिन खुद पास्टर बनना चाहते हैं और बाद में रिक्शा भी चलाते हैं और इधर दशमांश भी खाते हैं। तो ये ध्यान में रखो, हम आगे बढ़ेंगे। और एक स्क्रिप्चर है ड्यूटरोनी 12:6, व्यवस्था विवरण 12:6 पढ़ेंगे। वही तुम अपने अपने होम बलि बलिदान दशवांश उठाई हुई भेंट मन्नत की वस्तुएं स्वच्छ बलि तथा भेड़ बकरियों और गाय बैलों के पहलोटे ले जाया करना। भाई बहनों, यहां अलग अलग जो वस्तुओं के ओर उनको दशमांश देने का था, इसका प्रभु बात करता है। ये चीज के और दशमांश,
ए चीज के और दशमांश, ए चीज के और दशमांश। दशमांश सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं था, उनका जो सब कुछ उपज है वो उनका कमाई है उसके ऊपर था। इसका मतलब ये दशमांश पूरा एक ही चीज के ऊपर नहीं था। अभी क्या हुआ, उनका जो पूरा दशमांश होता था वो 10% नहीं होता था, वो 15-20-25 तक होता था। क्यों? अलग अलग चीज़ों के ऊपर उनको 10% देना पड़ता था। ये जूना करार का बात है भाई बहनों, आप ध्यान में रखो, क्यों बाद में हम नया करार के बारे में सीखेंगे। ओके, अभी अब मलाकाई की ओर जाएंगे। ये पुराना करार का अंतिम किताब है। मलाकी 3:8 से आगे पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बातों में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंटों में। आगे। पद 9, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोके खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ओके, अभी पद 7 पढ़ेंगे। पद 7, अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते हो आए हो, और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? देखो भाई बहनों, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि दशमांश एक परमेश्वर का आज्ञा है, यह आज्ञा है। तो जब भी दशमांश में हम कुछ गड़बड़ करेंगे, हेड़छाड़ कितनी अब उसको छेड़छाड़ करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो ये पाप होते हैं, और ये पाप का सजा है श्राप। तो प्रभु का वचन बोलता है, तुम लोगों ने इस बात में मेरे से तुमने पलट गए हैं, दूर चले गए हैं, तुम मुझे दशमांश नहीं देते हैं, लेकिन अभी तुम वापस आ जाओ, फिरो मेरे ओर फिरो। और ये लोग पूछते हैं, कैसा फिरो, क्या करना है फिरने के लिए? और प्रभु बोलता है, तुम जो मेरा चोरी करता है ना, वो बंद करो। और उनको मालूम भी नहीं है किस बात में ये लोग चोरी कर रहे हैं, और प्रभु उनको बोलता है, तुम्हारा दशमांश और दान, बोलता है पूरा तुम्हारा दशमांश मेरा भंडार में लिखे हो, और मैं तुमको आशीष देगा। देखो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि नया करार जूना करार से बेहतर है। हम ये देखेंगे इब्रानियों में
थोड़ा समय बाद। तो जब भी हम लोग पूछते हैं प्रभु को लोग कितना दशमांश देने का है, तो सब लोग बोलता है 10%। लेकिन नया करार में 10% है ही नहीं, 100% है, 100% है। हम थोड़ा ये देखेंगे मत्ती 5:20 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी नीतिमत्वता शास्त्रियों और फरिसियों की नीतिमत्वता से बढ़कर न हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। देखो भाई बहनों, ये बहुत साफ साफ है कि ये सब लोग जूना करार का लोग, जैसा शास्त्री है और फरीसी लोग है, ये लोग दशमांश देते थे इतना तक कि ये लोग बहुत ढिंग मारते थे, घमंड करते थे और बड़ाई करते थे। अभी प्रभु बोलता है ये शास्त्री और जो फरीसी है उनका नीतिमत्व जो है, उनका नीतिमत्व से तुम्हारा नीतिमत्व बड़ा होना चाहिए, बढ़कर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम भी 10% देंगे? मत्ती 23:23 मैथ्यू 23:23 पढ़ेंगे। हे पाखंडी, शास्त्रियों फरिसियों, तुम पर हाय! तुम पुदीने, सौफ और जीरे का दशवां अंश तो देते हो, परंतु नियम शास्त्र की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया और विश्वास की अपेक्षा करते हो। परंतु चाहिए था कि इन बातों को करते हुए अन्य बातों की भी अपेक्षा न करते। देखो भाई बहनों, प्रभु खुद मान लेता है कि ये लोग दशमांश दे रहे, लेकिन ये बोलता है तुम पाखंडी है, और बोलता है दूसरा और चीजें हैं जो तुम लोग नहीं कर रहे, इतना तक काफी नहीं है। भाई बहनों, प्रभु के अनुसार 10% काफी नहीं है। क्यों? ये एक ही ये नहीं है, आज्ञा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 18:12 Luke 18:12 पढ़ेंगे। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, और जो कुछ मुझे मिलता है सबका दशवां अंश तुझे देता हूँ। देखो भाई बहनों, ये सब लोग जूना करार में बहुत गमांड करते थे और बड़ाई करते थे कि हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, दशमांश भी देते हैं। लेकिन आप भूलना मत कि जूना करार एक कानून का करार था, न्याय नियम शास्त्र का करार था। ये लोग नियम शास्त्र का नीचे दबाव से कर रहे थे सब कुछ, और प्रभु को ये फिर भी पसंद नहीं था। जब भी हम नया करार में आते हैं, हम लोग नियम शास्त्र के नीचे नहीं है, हम लोग अनुग्रह का नीचे है, हम प्रेम का नीचे है।
तो इसका मतलब है कि प्रभु बोलता है तुम जब भी दशमांश देना चाहते हैं, प्रभु को देना चाहते हैं, तभी प्रेम से देना है, अनुग्रह से देना है। भाई बहनों, ये काम सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोगों ने कर सकता है, कि उनके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है, पवित्र आत्मा का शक्ति है। जब भी हम बोलेंगे 100% देने का है, एक ऐसा होगा कौन देगा? भाई बहनों बराबर सुनो, जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ ये लोग नहीं दे सकते। ये लोग सिर्फ एक नियम शास्त्र का दबाव से सिर्फ 10% दे सकते हैं, वो कभी कभी ये भी नहीं देंगे कि उनका उद्धार नहीं हुआ। कौन है जो हिचकिचता है, ये वो ग्रंबल करते हैं, खुड़खुड़ है, जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनके अंदर प्रेम नहीं है, उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी नहीं हुआ, प्रेम शादी नहीं हुआ। इसलिए ये सब कुछ सब बातें ये बहुत एक बड़ा बोझ है। इसलिए भाई बहनों, ये पैसा का प्रेम हमारा अंदर है। मैंने तुमको सिखाया पैसा का प्रेम मतलब स्वयं का प्रेम। नया जन्म के द्वारा जिनका स्वयं को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया और दिन प्रतिदिन स्वयं के और ये मरते नहीं है, स्वयं का प्रेम से पैसा का प्रेम प्रेम के ऊपर ये नहीं मरेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, उनका नया जन्म नहीं हुआ है। भाई बहनों ये जांच लो, तुम्हारा दिल जांचो, क्यों तुम्हारा जीवन में ऐसा होता है। ये एक अच्छा सबूत है तुमको पहचानने के लिए, मेरा नया जन्म हुआ वो नहीं हुआ। मैं खुशी से दे रहा हूँ वो दबाव से दे रहा हूँ, वो 10% जो है गिन के हम दे रहे, एक पैसा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लोग अभी भी जुना करार में है, उनका उद्धार नहीं हुआ। जब भी तुमको तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तभी तुम आनंद के साथ और हर्ष के साथ हंसते हुए, कुड़कुड़ते हुए नहीं, हंसते हुए हम ये जानते हुए, ध्यान में रखते हुए, ये मेरा नहीं है, सब कुछ जो मेरा है ये परमेश्वर का है कि उसने मुझे दे दिया। देखो भाई बहनों, कभी भी मैं सुना इंग्लिश में पे टाइट्स, दुश्मंश का पगार दे दो। भाई बहनों पगार देने के लिए क्या होता है, ये टाइट्स पगार नहीं है। क्यों? जो सब पैसा दूसरा का है वो जब भी मैं वापस करता हूँ वो उसका पगार नहीं है, हम जिसका है उसको वापस दे रहे हैं। तो भाई बहनों हम समझना चाहिए दशमांश हमारा नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते मेरा पैसा का कितना दशमांश दे, ये मेरा पैसा नहीं है, ये परमेश्वर का पैसा है, जो परमेश्वर बोलता है मुझे लौटाओ लौटाओ। और हमारे अंदर उसका प्रेम है, हमारा नया जन्म हुआ, वो हमारा पति है, वो हमारा दूल्हा है, हम उसका दुल्हन है, तो भाई बहनों कितना आनंद के साथ हम प्रभु को देंगे। मुझे नहीं लगता है कौन सा ही पति को उसका पत्नी को जितना चाहिए देने के लिए कठिन होता है, दुख होता है, मुझे नहीं लगता है। तो जब भी हमारा बीच में, प्रभु का बीच में और हमारा बीच में कोई प्रेम का रिश्ता नहीं है, तो ये दशमांश तो एक बड़ा बड़ा बोझ होगा। क्यों?
हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमको पैसा का प्रेम है, हमको स्वयं का प्रेम है, ये पैसा हमारा स्वयं के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा मजा के लिए, और देने का ही है तो गिन गिन के वो 10% हम चलो हम कैसा देते हैं, हम कुत्ता को कैसा देते हैं जो कुछ फायदा का नहीं है। हाँ बचा हुआ हड्डी, चार चूर तो परमेश्वर को हमने कुत्ता बनाया। देखो ठीक है, अभी तू चाहिए तो ले लो, चल रोना मत। अभी भाई बहनों, ये हमारा दिल है, ये हमारा मोटिवेशन है, रवैया है, उद्देश्य है, प्रेरणा है। देखो भाई बहनों, हमारे अंदर पैसा का कितना लोभ है, कितना लोभ है, क्यों? नया जन्म नहीं हुआ, हमारा उद्धार नहीं हुआ, स्वयं को जूना मनुष्य को अभी तक क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं। हमारा बपतिस्मा झूठा बपतिस्मा था, इसलिए इसका इलाज किए नया जन्म पाओ, जीवन का 100% समर्पण करो। लुका 14:33 हम सब लोग जानते हैं, फिर एक बार पढ़ेंगे। लूक 14:33 पढ़ेंगे, इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा शिष्य नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग न दे। सारी संपत्ति का मतलब क्या है? शायद तुम लोगों ने ये सुना है, 100% हम सब कुछ त्यागीकरण करना चाहिए, पैसा का नहीं करने का, क्या 100% तो किधर है दशमांश? अभी 100% जो है उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में मालूम नहीं, दशमांश तो सौवांश, सोवा। देखो भाई बहनों, हम दशमांश बोलेगा तो 10 देते हैं, 10%। 100% बोलेगा तो 100% देंगे ना। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मालिक है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। भाई बहनों, हम किसी को स्वामी मालिक और प्रभु बोलेंगे और बाद में हम उनको ये जो क्या बोलते हैं उसको टोन नोट्स, पाटा हुआ नोट्स। भाई बहनों, हमारा लोगों को ये गिनने के लिए भी तकलीफ हो रहा है, सब जो शायद मार्केट में नहीं चलता है वो चर्च में चलता है, प्रभु यीशु के लिए चलता है, वो शायद गंदा है और प्रभु यीशु फटेला है तो उसको कुछ भी चलेगा। ये कौन सा मन है? प्रभु को पैसा चाहिए? प्रभु भिखारी है क्या? हम उसको डालने का कोई, भाई बहनों तुमको डालने का मन नहीं है तो मत डालो, लेकिन ये फटा हुआ नोट्स मत डालो। प्रभु को तुम्हारा फटा हुआ जो नोट्स है उसका कोई जरूरी नहीं। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है Psalm 24:7-10। भजन संहिता 24:7-10 पढ़ेंगे। एक मिनट, Psalm 24:1-10। भजन संहिता 24:1-10 तक पढ़ेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है,
जगत और वे सब भी जो उसमें है उसमें रहते हैं, उसी के नींव तो उससे समुद्र पर रखी, हाँ उसने महाजल धाराओं पर उसे स्थापित किया। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वही जिसके हाथ निर्दोष है और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने हृदय को झूठी बातों की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई है, उसे यहोवा की ओर से आशीष, हाँ अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर से नीतिमत्तता मिलेगी। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, हाँ जो तेरे दर्शन के खोजी अर्थात याकूब वंशी है। हे फाटको अपने भाई बहनों, यहाँ क्या लिखा है कि ये पूरा जो दुनिया है परमेश्वर ने बनाया है और इसके लिए वो उसका मालिक है। ये दिनों में शायद तुमने देखा हुआ कि एक बड़ा कुछ ये बोलते हैं उसको अंतर स्पेस अंतरिक्ष देखने के लिए उनके पास एक बड़ा टेलीस्कोप है, उन्होंने दूरबीन है और उन्होंने कितना हजार 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 सालों से पहले परमेश्वर ने जो बनाया वो अभी देख रहे हैं। ये लोगों के पास एक भी तारा नहीं बना सकते, बड़े बड़े बातें करते कुछ बना सकते हैं? सब जो परमेश्वर ने डाला है बोया है वो ही निकाल के उसका कुछ तो बनाते हैं, लेकिन ये लोग रचा नहीं सकते। वो है रचयिता भाई बहनों, इसलिए उसको पूरा हक है, ये कभी हमारा नहीं हो सकते। सिर्फ जब भी परमेश्वर हमको देता है ये उसका मेहरबानी है, उसका अनुग्रह है, ये हम भूलना नहीं चाहिए। बाद में साम 50:10 वचन संहिता 50 का पद 10 पढ़ेंगे। क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के पशु तो मेरे ही है। देखो भाई मैंने स्पष्ट लिखा है, सब कुछ जो है परमेश्वर का है। ये जंगल में कितना कितना ये है पशु है और ये सब जानवर है, सब परमेश्वर ने बनाया। ये हम समझना चाहिए कि हम बहुत बहुत छोटे लोग हैं और इसके लिए हम परमेश्वर का जो ये है वो हमारा मालिक है, वो उसका उसका मास्टरहुड, उसका मालिकियत मालिकियत हमने मान लेना चाहिए कि हम कुछ नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनमी 8:17-18 व्यवस्था विवरण 8:17-18 पढ़ेंगे। तू अपने मन में यह न कहना लोग कि मैंने यह सारी संपत्ति अपने सामर्थ तथा बहुबल से कमाई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ देता है कि वह अपने उस प्रतिज्ञा को पूरी करे जिसकी शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, जैसे आज प्रकट है। ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये करार है कि वो उसका करार कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्म स्थापित कर सकते हैं। ये सब करार का बातें हैं। देखो पुराना जूना करार में करार था परमेश्वर का यहूदी लोगों के साथ, आज प्रभु यीशु का करार है नया करार में हमारे साथ, और नया करार में हम करार नहीं करेंगे बपतिस्मा के द्वारा, सही बपतिस्मा के द्वारा, तो परमेश्वर को हमारा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों?
ये हम करार में कभी प्रवेश करते हैं और करार का जो आशीषें हैं और बेहतर प्रतिज्ञा है वो कभी मिलता है हमको, जब ये हम करार करेंगे तो बपतिस्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। तभी परमेश्वर बोलता है ये सब कुछ मैं तुमको देगा, तुमको शक्ति देगा, मैं तुमको बल देगा और तुम्हारे लिए जो संपत्ति तुमको जरूरत है वो पाने के लिए मैं तुमको मदद करेगा। देखो भाई बहनों, आज कितना सारा लोगों को ये नहीं समझता है, जब ये लोग यंग है और जवान है और बोलता है मैंने कमाया, मैंने कष्ट उठाया, मैंने मेहनत किया, लेकिन भाई बहनों ये लोगों को जो ये है स्वस्थ है, हेल्थ है, ये किसने दिया? सेहत। देखो आज कितना सारा लोगों के बारे में मैं सुन रहा हूँ, वो भाई इसमें नहीं जा रहे क्या, नौकरी में नहीं जा रहे, क्यों दारू पी रहे हैं, घर पे सो रहे हैं। दूसरा भाई दारू पी रहे और इधर गिर रहे, खड्डा में गिर रहे, और दूसरा लोग बीमारी से भरा है, कुछ काम नहीं कर सकते। भाई बहनों, परमेश्वर हमारा जीवन में हमको ये अच्छा सेहत का आशीर्वाद नहीं देगा, हमको बल और शक्ति नहीं दे, हम क्या कर सकते? क्यों हम इतना डिंग मारते हैं, कितना हम इतना गर्व करते हैं कि मैंने किया, ये पैसा मेरा है, मैं दशमांश नहीं देगा, मैं प्रभु को मेरा ये मालिक है, वो मेरा स्वामी है, वो मैं कबूल नहीं करेगा। क्या है, कौन करेगा ऐसा जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिसका स्वयं अभी तक मरा नहीं है, स्वयं और पैसा बिल्कुल जुड़ा है, घनिष्ठ रीति से जुड़ा है। तो जब भी तुमको दशमांश देने के लिए कष्ट होता है, 100% तुम्हारा ये त्यागीकरण करने के लिए ये होता है, इसका एक ही मतलब है कि हमारा शादी नहीं हुआ, हम शादी करने के लिए तैयार नहीं प्रभु के साथ। क्यों, एक बार शादी हो जाएगा तभी ये मेरा पैसा, पति नहीं बोलता ये मेरा पैसा, पत्नी नहीं बोलता ये मेरा पैसा, उनका जॉइंट अकाउंट रहता है बैंक में। तो इसका पीछे जो न्यू का बात है वो नया जन्म। आज कितना लोगों को ये लोग कोक्सिंग करते हैं, कोक्सिंग मतलब दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, कोक्सिंग क्या है, उनको फुसलाते हैं, उनको देना चाहिए। लेकिन भाई बहनों, जब तक ये हमारा झुना जो ये है हृदय है वो निकल के नया हृदय नहीं परमेश्वर बिठाएगा, हमको हमारा स्वयं का प्रेम जो है वो चलते रहेगा, और स्वयं का प्रेम, पैसा का प्रेम, हर एक पाप में हम गिरेंगे। क्यों, ये हृदय पुराना है, उसके साथ कुछ नहीं होता ये सब काम। तो ठीक है, तो भाई बहनों, प्रभु ये सब चीज़ का मालिक है, स्वामी है, और उसने ये मलकियत और स्वामित्व उसने दूसरों को किसी को दिया ही नहीं, उसका ही है। हम ये कबूल करना है, मान लेना है, और हमारा जीवन का पूरा 100% समर्पण और त्यागीकरण करना है। उत्पत्ति 22 में हम पढ़ते हैं कैसा अब्राहम ने उसका ये किया, इसाक का बलिदान किया, वही एक तरीका का एक दशमांश है। मतलब क्या है कि उसको एक बलिदान करना पड़ा। देखो, दशमांश देने के लिए बलिदान करना पड़ता है, हमारा स्वयं का बलिदान करना पड़ता है। अब्राहम को उसका इसहाक का बहुत प्रेम था, मेरा बेटा, मेरा बेटा, किसने दिया था बेटा? परमेश्वर ने दिया था।
और अभी परमेश्वर बोलता है तो मुझे वापस दे दो, उसने देना मांगता था और प्रभु का अनुग्रह से उसने दे दिया, तैयार हो गया समर्पण करने के लिए। तो भाई बहनों, सिर्फ पैसा परमेश्वर का नहीं है, हमारा हर एक संपत्ति, हर एक हमारा घर, हमारा नौकरी, पैसा, सब कुछ, हमारा बच्चे जिनका तुम लोग कितना प्रेम करते हैं और इसलिए प्रभु की ओर समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। किसने दिया तुमको बच्चे? और बच्चों को ये बच्चों का लाड करने के लिए आज तुम्हारा भी उधार नहीं हुआ, क्यों? तुम उसको समर्थन देते है, सपोर्ट देता है गलत जीवन जीने के लिए, गलत जीवन जीने के लिए। और ऐसा मैं बोलूंगा तो तुमको अच्छा नहीं लगता है। आज बच्चे लोग माँ बाप के वजह इतर बितर हो गया, उनका जीवन बर्बाद हो गया माँ बाप के वजह, क्यों? इन्हें लोगों ने परवरिश नहीं किया, उनका खुद का उधार नहीं हुआ, माँ बाप का, बच्चों का किधर उधार हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। तो भाई बहनों, वो है ओनरशिप, मलकियत का सिद्धांत, जो हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो है मालिक, वो है स्वामी और हम सिर्फ उसका दास है, हम उसका गुलाम है। तो भाई बहनों, इसलिए लुका 16:1-2, लूक 16:1-2 पढ़ेंगे। फिर वह शिष्यों से भी कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उसे बुलवाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारी पन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। देखो भाई बहनों, हम सिर्फ भंडारी है, हम ओनर नहीं है, हम मालिक नहीं है किसी चीज का। समझो, मैं किसी को ये मेरा जो पैसा का वॉलेट रहता है, बटुआ रहता है, मैं किसी को देता हूँ और बोलता हूँ थोड़ा संभालो, और जब भी मैं वापस लेने के लिए जाता हूँ, वो व्यक्ति मेरा बटुआ लेकर फरार हो गया, है ना? उसको हम चोर बोलते हैं। देखो भाई बहनों, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम समझना चाहिए कि परमेश्वर मालिक है और हम भंडारी है। जो हमारे पास है वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है, उसने उसका देखभाल करने के लिए हमको दे दिया, और न्याय का दिन हमको पूछेगा, मुझे उसका लेखा दे दो, क्या किया जो मैंने तेरे को दिया था? मैंने तुमको नौकरी दिया था, सेहत दिया था, घर दिया था, पैसा दिया था, ये मुझे लेखा चाहिए, क्या बोलेंगे भाई बहनों? देखो, ये समझना बहुत जरूरी है, ना तो हम पाप का जीवन जिएंगे, दशमांश और बेंट ये सिर्फ एक 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 चिन्ह है हमारा दिल का, हमारा दिल का प्रेम का, हमारा दिल का जो रवैया है, तभी वो हमारा छुट्टा नहीं है। क्यों? हम समझते हैं हम मालिक है, ये मेरा है, परमेश्वर का हिस्सा 100% है, लेकिन हम चोरी करते हैं, हम चोरी करते हैं। देखो, वापस हम मलाकाई में जाएंगे, परमेश्वर 3:8 में साफ साफ बोलता है, तुम चोर है,
Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In tithes and offerings. चोर है, पढ़ो। पद आठ, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंटों में। देखो भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा लोगों को चोर बोलता है, हम सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब परमेश्वर ये बात बहुत गंभीरता से लेता है कि जो ये लोग ऐसा लोगों को चोर बोलते हैं। भाई बहनों, मुझे इसके बारे में प्रचार करने के लिए थोड़ा मन नहीं था, क्यों आज बहुत सारा जो झूठे पादरी है और पास्टर है, आज ये दशमांश का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक ही कारण है कि जिनको परमेश्वर ने बुलाया नहीं, ये लोग कलीसिया इसलिए शुरू करते हैं ताकि उनको दशमांश मिले। इनको परमेश्वर क्या बोलता है? ये पास्टर नहीं, ये चोर है, उनका मन सही नहीं है। भाई बहनों, ऐसा लोग मिलेगा ना, उनका उनका मुंह में बोलो, मुंह पर बोलो चोर है करके। उनको यही चाहिए, ये बाजू रिक्शा चलाएंगे, ये बाजू और कोई धंधा चलाएंगे और कुछ काम करेंगे और पार्ट टाइम ये काम करेंगे, बाहर का पैसा लेंगे, दूसरे लोगों को बांटेंगे, वो भी 10% और 90% खुद के लिए रखेंगे। तो देखो, हर एक चीज का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करने का बंद नहीं करेंगे ना। समझो परमेश्वर ने एक छुरी बनाया, वो छुरी लेकर कोई खून कर सकते है, लेकिन छुरी का हमको जरूरी है, हमको रसोई में हमको काटने का है, ये करने का है। तो मतलब क्या है कि दशमांश एक सही बात है, एक सही चीज़ है जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, लेकिन शैतान का जो लोक है उसका गलत इस्तेमाल करता है। क्यों? उनका मन और दिल गलत है, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन पास्टर बन गए। तो सावधान भाई बहनों, प्रॉब्लम समस्या दशमांश के साथ नहीं है, ये लोगों का दिल के साथ है जिनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? हमारा नया जन्म होगा, हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु पैसा का बात छोड़ो, मैं खुद तेरा हूं, मैं मेरा खुद का समर्पण करता हूं आपको, 6%, 10% नहीं है, 100%, एक चीज भी नहीं है मेरे पास जो 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 मेरा है, बल्कि सब कुछ तेरा है। ये हम समझना बहुत जरूरी है। तो बाद में 10 में बोलता है, पद 10, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। भाई बहनों, प्रभु बोलते हैं, मेरा आशीष तुम्हारा देने के ऊपर उपलब्ध है। मतलब क्या है? यूहन्ना 3:16 बोलते हैं कि परमेश्वर ने
हमारा इतना प्रेम किया कि उसने दे दिया। प्रेम और देना साथ में होता है, जिधर प्रेम नहीं है उधर कोई कुछ नहीं देते है। तो परमेश्वर ने हमको पहला उदाहरण दिया, उसने जब ही हमको दिया, हमारा प्रेम किया, उसने हमको सब प्रतिशत दिया। सब प्रतिशत क्या है? उसका इकलौता पुत्र सौ प्रतिशत है। भाई बहनों, हमको कठिन लगता है ना, हम सोच भी नहीं सकते। वो विधवा ने, प्रभु यीशु ने बोला, उसने सब कुछ दिया, उसका गरीबी से, उसका लाचारी से सब कुछ दिया, जो उसका जीवन के लिए ये था, जरूरत था, वो भी दे दिया। भाई बहनों, ऐसा मन है, ऐसा दिल है, जो परमेश्वर का दिल है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, हमको ऐसा दिल है नहीं। हम कितना रख सकते हैं छुपा के, वो देखते हैं। तभी प्रभु बोलता है तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। अनानियास और सफीर का के और क्या श्राप आ गया? उसने, उसका जब जब पैसा था, उसका उसका उसने एक भेंट परमेश्वर को नहीं दिया, झूठ बोला। कितना सारा लोग दशमांश का बारी में एक झूठा जीवन जी रहे, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा ना, किसको मालूम पड़ेगा? लेकिन प्रभु यीशु वहाँ बैठ के देख रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण बात है क्या कि प्रभु यीशु समय निकाल के उधर उधर बैठ के देख रहे? आप ऐसा सोचो कि हमारा चर्च में प्रभु यीशु उधर बैठ के सब लोगों को देख रहे, कितना डाल रहे, और उसमें उनमें से कितना सारा सफायरा और अनन्या कितना लोग है। ये प्रभु का दया है कि वहाँ लोग उधर ही गिर नहीं पड़ता है और मरते हैं, इतना झूठ बोलने के बाद। ये हम ध्यान में रखना है। प्रभु का पैसा का ये नहीं है, वो जरूरत नहीं, वो अमर दिल क्या करना चाहता है? परखना चाहता है ये लोग मेरा सचमुच मेरा प्रेम करता है, उनका स्वयं से ज्यादा, उनका पैसा से ज्यादा। बोलने के लिए बहुत आसान है, आई लव यू लॉर्ड, मैं तेरा प्रेम करता हूं, हमारा बहुत गाना है, लेकिन ये सब झूठ है। जब भी हम प्रेम करेंगे, हम खुद का नहीं है, और हमारा जो है वो हमारा नहीं, सब प्रभु का है। ऐसा जीवन हम जी सकते हैं भाई बहनों? हाँ जी सकते हैं। कभी तुम्हारा नया सही नया जन्म होगा, तभी तभी देखो तुम्हारा दिल कैसा बदल जाता है, और दुख नहीं लगेगा। प्रभु का वचन बोलता है कि वो 2 कुरिंथी 9:7 में, 2 कुरिंथियंस 9:7 पढ़ेंगे, प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, ना कुड़कुड़ करे और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। शलोम, हालेलुया। किसी का ही शादी पे जाएगा, किसी को बर्थडे प्रेजेंट देने का, कितना देने गए? बहुत बड़ा प्रश्न, किसके ऊपर निर्भर है वो? कौन है? मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा दोस्त है, मैं उसका प्रेम करता हूँ, कितना नज़दीक हूँ, वो ऐसा ही चलो देने का है, उसके ऊपर निर्भर है। प्रेम, प्रेम ये तो ठीक है, उसके और हम जान सकते हैं ये 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 व्यक्ति का दिल। प्रभु बोलता है मैं भी तुमको जांचना चाहता हूं। भाई बहनों, ये हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो जो श्राप हमारे ऊपर आता है, कितना लोगों के ऊपर आता है, कितना बीमारी, सब पैसा बाद में उधर हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ, ये श्राप है। क्यों?
दशमश में गड़बड़ किया, दशमश में चोरी किया। भाई बहनों, प्रभु का एक वचन है तुमको दिया था मैंने, कुरिंथी में लगता है कि जो परमेश्वर का प्रेम नहीं करता है ये श्रापित है। ठीक है, बाद में आप देखो। देखो, ये दशमश नहीं दिया करके श्रापित नहीं है, ये लोग श्रापित है कि वे परमेश्वर का प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम कैसा दिखाते हैं? जब हमारा जीवन का 100% हम ये करते हैं, समर्पण करते हैं, 100% हम त्यागने के लिए तैयार रहे, मेरे पास कुछ नहीं। जैसा एक प्रेम गुलाम रहता है, प्रेम गुलाम का क्या है? कुछ नहीं है, सब मलिक का है। और उसके उसने ये जबरदस्त से नहीं किया, उसने प्रेम से उसको उसका मालिक को सब कुछ उसका दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा सब मालिक के पास है। इसलिए समझना चाहिए ये प्रभु का वचन क्यों बोलता है, जो परमेश्वर का प्रेम नहीं करता है वो श्रापित है। भाई बहनों, तुमको एक आदत बन गया। एक कुरिन्थी 16:22 पढ़ो। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। ओके, उसका उल्टा परमेश्वर बोलता है, तुम लोग बराबर दशमांश देंगे, 100%, मतलब मेरा 100% प्रेम करेंगे, वो याद रखना। ये दशमांश का बात नहीं, ये प्रेम का बात है। 100% मेरा प्रेम करेंगे तभी क्या बोलते हैं दसवें मलाकी 8:10, सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोके खोलकर आकाश का झरोके का मैं खोल देगा, आशीषों से आकाश से तुमको मैं आशीषें उंडेल देऊंगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। भाई बहनों, ये परमेश्वर का प्रतीक है। आज कितना सारा लोग रोते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। क्यों? कि तुम परमेश्वर का प्रेम नहीं करते। क्यों? तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। नया जन्म नहीं हुआ करके तुम्हारा दिल में अभी तक स्वार्थीपन का, स्वयं का दिल है, और ये स्वयं का दिल बोलता है ये पैसा सब मैं मेरे लिए रखूँगा, मेरा मजा के लिए, मुझे मजा करने का है। परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों की और मैं श्राप देगा, लेकिन जो लोग मेरा 100% प्रेम करेगा उनके लिए मैं आकाश का जो खिड़की है वो मैं खुला करूंगा और आशीषें तुम्हारे ऊपर उंडेल देऊंगा। शलोम भाई बहनों, ये सच्चाई है, वो परमेश्वर का एक सिद्धांत है जिसके ऊपर ये सब कुछ चल रहे है। प्रेम 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 अगपे सुप्रीति। कई लोगों को अगपे भी बोलने के लिए नहीं आता है, लिखते है अगप्यो, तो अगप्यो नहीं, अगपे है। भाई बहनों, पढ़ेंगे 1 Corinthians 2:9 पढ़ेंगे, पर जैसे लिखा है जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। भाई बहनों, परमेश्वर बोलता है तुम लोग नहीं समझते है, जो मेरा प्रेम करते हैं उनके लिए मैंने क्या क्या तैयार किया, हम सोच भी नहीं सकते है। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, हमारे दिल में हमने उतरा नहीं है, वो हमने उसका अनुभव पाया नहीं। क्या भाई बहनों, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया होगा, क्या हम जानते हैं क्या? लेकिन ये सिर्फ जो उनका प्रेम करते हैं उनके लिए।
सो ये दशमांश एक प्रेम का बात है, जो प्रभु का प्रेम नहीं करता है दशमांश मत दो, कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर का 100% प्रेम करता है, प्रभु यीशु का प्रेम करता है और उसके लिए जी रहे, उनके ऊपर एक एक जुनून सवार हो गए, उसका प्रेम में पागल हो गए, दीवाना हो गए, ये लोग खुद को भी बेचने के लिए तैयार है, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। और प्रभु बोलते हैं ऐसा लोगों के लिए मैंने क्या तैयार रखा, तुमको मालूम है, तुमको मालूम भी नहीं है, आंखों ने तुमने देखा नहीं, तुम्हारा कानों ने सुना नहीं और तुम्हारा दिल में तुमने ये इसका अनुभव पाया नहीं। ऐसा भाई बहनों दशमांश प्रेम की बात है, आगपे और प्रीति सुप्रीति का प्रेम है, ये 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 ये, ये, ये स्वार्थी प्रेम का नहीं है, मजा का प्रेम नहीं है, वो बलिदान का प्रेम है। भाई बहनों ये रीति से हम वो जो परमेश्वर का आज्ञा है वो हम समझ सकते हैं क्या, कि परमेश्वर को किसी चीज़ का जरूरी नहीं, एक पैसा का भी जरूरी नहीं। ये हमारे लिए एक परीक्षा है, हमारा दिल परखने के लिए, हमारा दिल में कितना हम परमेश्वर का प्रेम करते हैं, किसका हम ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु हमारा पहला प्रेम है क्या, उसको हम पहला स्थान देते हैं क्या? भाई बहनों किसी के पास नहीं होता है, सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ है उनके लिए अनुग्रह है, इनके लिए नियम शास्त्र नहीं है, नियम शास्त्र का दबाव से ये आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, प्रेम से अनुग्रह से पवित्र आत्मा का शक्ति से, पवित्र आत्मा हमको मदद करता है ये दशमांश देने के लिए, ऐसा प्रेम करने के लिए। 100% 10% नहीं है, 10% एक बकवावत है। लेकिन ये तुमको सिखाने के लिए मुझे थोड़ा डर लगता है कि कल ये गलत कलीसिया है, सब जो रिक्शा वालों का उधर लोग 100% देंगे तो क्या हो जाएगा, बेचारे लोग, प्रभु जरूर उनको आशीर्वाद देगा, लेकिन ये लोगों का क्या हो जाएगा, श्राप लेकर मर जाएंगे लोग। तो भाई बहनों सही मन से गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर, हर्ष से देने वाले, आनंद के साथ हंसते हुए हम ऐसा देंगे। और क्या देंगे, ये विधवा का जैसा 100%, उसके पास उसने उसका उसका गरीबी से दरिद्रता से दिया है, जिसका उसको जीने के लिए जरूरत था। आपको लगता है परमेश्वर ने उसको कुछ कम किया? नहीं भाई, कभी हमको कम नहीं होगा, जितना हम परमेश्वर को देंगे प्रभु उससे ज़्यादा बोलता है मैं खोल के देगा। आज ये हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं पाया, क्यों? हम लोग 100% प्रेम नहीं करते हैं। ये 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 ये, ये प्रतिज्ञा लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका नया जन्म हुआ और उन्होंने 100% प्रेम करते हैं और प्रभु के लिए 100% सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। भाई बहनों शिकायत मत करो, मेरा जीवन में ये नहीं है, मुझे पुरता ही नहीं है, ये पुरता ही नहीं, क्यों पुरता ही नहीं है, कि तेरा उधार नहीं हुआ इसलिए कुछ पुरता ही नहीं है, हमेशा हाथ फैलाना पड़ता है, ना तो हमको दिन रात भागना पड़ता है और पसीना ये करना पड़ता है ताकि और पैसा कमाए, बाद में पैसा कमाए किधर जाते है, जब हम प्रभु को नहीं देते, मेरा मजाक के लिए हमने रखा है। नहीं भाई बहनों ये तरीका नहीं है, दशमांश का ये उद्देश्य नहीं है। दशमांश का एक ही उद्देश्य है, हमारा प्रेम का दिल परखने के लिए, कितना हमारा दिल में प्रेम है। हम प्रेम से नहीं देंगे तो दशमांश का कुछ फायदा नहीं है। तो हम ये करेंगे, क्या निर्णय लेंगे भाई बहनों, कि प्रभु मुझे नया जन्म पाने के लिए आपका अनुग्रह मुझे दे दो, ताकि मुझे नया दिल चाहिए जिसमें स्वयं से भरा नहीं है, पूरा स्वयं के ऊपर मुझे छुटकारा चाहिए, ताकि मैं पूरा मेरा जीवन का समर्पण कर सकूं 100% और 100% मैं पूरा त्यागीकरण कर सकूं और सिर्फ आपके लिए जी सकता हूं, जी सकूं और आपको मेरा पहला प्रेम और आपका मेरा जीवन का पहला स्थान आपको दे सकता हूं।
धन्यवाद, प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका अनुग्रह के लिए और प्रकाशन के लिए और बुद्धि के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत कठिन जो विषय है वो बांटने के लिए आपका वचन और आपने मुझे ये मदद किया, मुझे अनुग्रह दिया, इसलिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु सब लोगों को ये एक इच्छा दे दो प्रभु, नया जन्म पाने के लिए, पूरा जीवन का 100% समर्पण करने के लिए और 100% त्यागीकरण करने के लिए, क्यों हमको एक नया दिल चाहिए प्रभु, हमको स्वयं से छुटकारा चाहिए, हमको पैसा का लोभ से छुटकारा चाहिए प्रभु, ताकि हम सिर्फ 100% आपके लिए जिए प्रभु। ओ प्रभु, हम आपका सिर्फ प्रेम नहीं करना चाहते हैं, आपका सेवा करना चाहते हैं, और हमारा एक ही दिल है प्रभु कि हम और आत्मा जीते, सिर्फ सुसमाचार के लिए हम एक विजिट के लिए नहीं जाने, लेकिन आत्मा जीते, ताकि जो भंडार आपने हमारे लिए रखा, जो आशीष हमको रखा और अपने जो बेहतर हमको प्रतिज्ञा हमको रखा वो हम हासिल कर सकें प्रभु। और प्रभु धन्यवाद कि आपने हमको बोला, ये प्रतिज्ञा दिया कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और हमारा दिल में हमने अनुभव भी नहीं भी पाया, अपने जो लोग आपका प्रेम करते उनके लिए क्या तैयार करके रखा प्रभु। ये संसार का वस्तुओं का, ये संसार का मौज मजा जो है उनका सब का इनकार करने के लिए, नकारने के लिए प्रभु हमको मदद करो प्रभु, ताकि हम संसार का प्रेम नहीं करें लेकिन आपका प्रेम करें। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया, यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू।